क्राइस्टचर्च का हेगली ओवल मैदान जहां पे खेला जा रहा है भारत बनाम न्यूजीलैंड या कहली जिन दोनों के बीच इस सीरीज का लास्ट टेस्ट मैच और दिन का खेल समाप्त होते होते डे वन का स्टम्प्स होते होते अभी कुछ स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं लग रही। जी हाँ, 242 रन पर ऑल आउट हो गई टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए। वहीं जब बारी आई न्यूजीलैंड यानी ब्लैक कैप्स होम टीम की तो 63 पर 0 स्कोर है एट द टाइम ऑफ स्टम्प्स। मेरे साथ मौजूद है मनोज जोशी। सर 3 हाफ सेंचुरी मिले हमें पहली पारी में, लेकिन तीनों वो मौका बुना नहीं पाए। वहीं अगर काइल जैमिसन की बात की जाए तो उनका कह लीजिए इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला 5 विकेट हॉल, तो कितना ज़्यादा इम्प्रेस किया है आपको या तो ब्लैक कैप्स के बॉलर ने या निराश किया है इंडियन बैट्समैन ने? दोनों स्थितियाँ हैं जी। जी बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि 194 रन पर आपका जो है 194 का स्कोर है आपका और महज 3 विकेट आपके आउट हैं जी। चौथा विकेट गिरता है हनुमा विहारी का 194 के स्कोर पर, उसके बाद लाइन लग जाती है आपकी पूरा आयाराम जयराम टाइप जी बिल्कुल। और आप देखिए 48 रन में 7 विकेट खो देते हैं आप, तो ऐसी टीम का तो फिर आप देखिए आप बैटिंग में तो आपने कोलैप्स कर ही दिया बुरी तरह जी। जबकि आपका 85 पे 2 था लंच तक का स्कोर बिल्कुल, जो दोनों के लिए बराबर इवन स्थिति थी, कहीं भी मैच जा सकता था। टी तक हमने चाय से पहले जो हमने 1 विकेट कवाया बिल्कुल हनुमा विहारी का, वो टर्निंग पॉइंट था। ठीक पिछले मैच की कहानी दोहराई गई जहां चाय से ठीक पहले का जो ओवर था वहां पुजारा आउट हुए थे जी। अब आप यदि आप जल्दबाजी ना करते, लेग स्टंप के बाहर की जो उछाल लेती हुई गेंद है उस पर बल्ला ना अड़ाते तो आपका विकेट गिरता ही ना लंच और टी के बीच में, और आप एक नए स्टांस के साथ उतरते। और जैमिसन की बात आपने कही तो जैमिसन तो देखो उनका एक तारणहार है बिल्कुल, जिस तरह का उनका एनालिसिस है जो बाद वाले स्पेल का, 10 ओवर में उनका 4 विकेट हैं जी, और कितने 8 या 9 रन उन्होंने खर्च किए हैं, तो नया फ्यूचर कह लीजिए नया ब्राइट स्टार मिल गया है न्यूजीलैंड टीम को। लेकिन वहीं अगर बात की जाए सर हनुमा विहारी का विकेट, जैसे आपने कहा नील वैगनर जो उनको जो शॉर्ट पिच डिलीवरी में चलता किया वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था, उसके बाद से डाउनफॉल शुरू हो गया टीम इंडिया का। और जो हमारे जो टेल है वो भी इतना अच्छा योगदान नहीं, हालांकि शमी ने बहुत ही आक्रामक शॉट्स लगाए, 1 ओवर में 2 छक्के भी मारे, बुमराह का भी 10 रन का योगदान था, लेकिन उससे पहले के बल्लेबाज उमेश यादव 0 पे आउट हुए, जडेजा 9 रन पे, 12 रन पे, ऋषभ पंत, कहीं ना कहीं जो टेल एंड है वो कहीं ना कहीं निराश करती आ रही है लगातार। देखो देखो जी, मैं तो कहूंगा टेल को तो हम का काम है बॉलिंग करना जी, मेन काम जो असली काम है ना उनका वो रन बनाना नहीं है जी। जो आपके स्थापित बल्लेबाज जिस तरीके से आउट हो रहे हैं बाद पे आएंगे जी, जो स्थापित बल्लेबाज जिनका काम है बल्लेबाजी करना रन बनाना, वही रन नहीं बना पा रहे तो हम टेल को क्यों जिम्मेदार ठहराएं बिल्कुल, है ना। और अब अगर आप देखेंगे आपकी जो बल्लेबाजी थी, पृथ्वी शाह जिस तरीके से आउट हुए, पृथ्वी शाह की बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही है, आप गेंद को बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेना, स्ट्रेट ड्राइव खेलना, पुल करना, मतलब हर तरह से वो आज परफेक्ट दिखाई दे रहे थे, बहुत अच्छे रिदम में दिखाई दे रहे बिल्कुल। बस एक जहां उनके तारतम्यता टूटी है उससे, और उसके बाद जो है फिर वो शॉट खेलने में बहुत देरी की जी। ऐसी देरी की जैसे कि रहाणे ने की, ये 2 विकेट जो है ना हमारे बहुत हम शॉट खेलने में देरी होने की वजह से, देरी से शॉट खेलने की वजह से हमने ये 2 विकेट गंवाए। मयंक अग्रवाल अंदर आती गेंद पर आउट हुए, इसी तरीके से विराट कोहली देखने में हमें लगा कि गेंद जो है अंदर की तरफ आ रही है और अंदर आती गेंद पर आउट हुए, जबकि वो परफेक्ट आउट स्विंगर बॉल थी बिल्कुल, आप उसकी ग्रिप देखिए बिल्कुल आउट स्विंगर वाली ग्रिप थी। और सऊदी ने फॉक्स कर दिया उनको बिल्कुल, सऊदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनको 10वीं बार आउट किया तीनों फॉर्मेट में मिलाकर विराट कोहली को, तो उनकी जो गेंद थी वो अंदर की तरफ आई, हमें लगा कि अंदर की तरफ आई है, लेकिन जो पूरा जैसे कहते हैं ना स्टंप को घेर कर खेलना, पूरा पैड आप आगे रख रहे हैं, स्टंप को पूरा घेर कर खेल रहे हैं, इसमें तो आपके स्निक लगने के चांसेस ज्यादा हैं, आपके लिए LBW के चांसेस ज्यादा हैं, इसीलिए आप देखेंगे इस दौरे के अंदर जितनी तेज हवाएं चलती हैं जो उनका स्टांस है वो भी उनके लिए चिंता का विषय रहा है, उसकी वजह से वो फंसते रहे, ज्यादातर मौकों पर LBW आउट होते रहे। यहां भी उनको लगातार शॉर्ट गेंदे फेंकी सऊदी ने, 4 गेंदे लगातार, और 5वीं गेंद एक ऐसी थी जो शॉट नहीं थी, अंदर की तरफ आ रही थी लेकिन वो लेट स्विंग, जैसे पृथ्वी शाह आउट हुए थे पिछले मैच में या अश्विन आउट हुए थे पिछले मैच में, ऐसी ही गेंद थी, अगर वो गेंद पहले टिप्पा पड़ता बिल्कुल तो वो बाहर की तरफ जाती। लेकिन सर चिंता का विषय है विराट कोहली का फॉर्म लगातार, इस टूर में उनके रन से कोई हाई स्कोरिंग इनिंग नहीं निकली है, हालांकि अजिंक्य रहाणे भी 7 रन पर आउट हुए, मयंक अग्रवाल भी 7 रन पर आउट हुए, लेकिन पहले मैच में उन्होंने फाइट दिखाई थी, वो थोड़ा बहुत टेम्परमेंट दिखाया था टिकने का, लेकिन क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है अगर एक अच्छी पारी या एक अच्छा योगदान वो दे दें तो मोमेंटम टीम इंडिया के पास आ जाएगा, खासकर तीसरी जो इनिंग्स यहाँ पे मेक और ब्रेक होती है क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान में, वहां उनको स्टैंड अप करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। पुजारा और पृथ्वी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे
50-51 रन की पार्टनरशिप थी बिल्कुल, और उसके बाद एक उन्होंने एक और पार्टनरशिप की थी 80-81 रन की पार्टनरशिप बिहारी के साथ, हनुमा बिहारी के साथ। लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप के बीच में विराट कोहली और रहाणे का विकेट जो जल्दी जल्दी गिरा उससे भारत पर दबाव आ गया। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है इनकी जो क्लास लगी है ना बहुत ज्यादा विराट कोहली ने लगाई थी हनुमा बिहारी और पुजारा की, दोनों पर उसका दबाव भी दिखाई दिया। दोनों आक्रामक खेल रहे थे, शॉट्स खेल रहे थे, शॉट्स के लिए जगह बना रहे थे। पुजारा को देखो आप, स्ट्रेट ड्राइव उनके बहुत बेहतरीन थे, ड्राइव्स का तो आज मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था उनके ड्राइव्स का। और उसके अलावा आप हनुमा विहारी को देखो, जिस तरह से वो वैगनर की पिटाई कर रहे थे, वैगनर को लगातार चौके पर चौके लगा रहे थे। मुझे लगता है वो भूल गए थे कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा था वो वनडे या T20 वाले अंदाज में खेल रहे हैं। और उस अंदाज में जिस तरह से बॉल उनके लेग स्टंप से उछाल लेती हुई आई, उस पर जो उन्होंने बल्ला अड़ाया उसके लिए तो उन्हें माफ नहीं किया जा सकता कि हनुमा विहारी जैसा टेक्निकली जो मजबूत माना जाता हो, जिससे लंबी पारी की उम्मीद की जाती हो, और जिसने प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी बनाकर काफी उम्मीदें दिखाई हो और पिछले मैच में ना चल पाया, उसकी भरपाई भी उसको करनी हो, तो उनका आउट होने का तरीका बहुत गलत था, बहुत ही बेहुदा था। मैं कहूंगा टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से ऐसे ही इस तरह से आउट होना टीम को आप मुसीबत में डाल देते हैं इस तरह के शॉट्स खेलकर। वही सर जो लास्ट टाइम कह लीजिए विलिंगटन टेस्ट मैच में हमको दिखा था, जो एक्स्ट्रा अटैकिंग अप्रोच है टीम इंडिया के, कहीं ना कहीं वो उनका पतन का भी मेन वजह कारण बनती, क्योंकि आप जब एक टाइम तक वो अच्छा लगता है कि आप शॉट स्ट्राइक करते हैं, नील वैगनर की जो गेंद थी अगर आप उसको लीव कर देते तो टी सेशन में आप अच्छी पार्टनरशिप के साथ जाते, तब दबाव केन विलियमसन की टीम पर होता कि कैसे इस पार्टनरशिप को ब्रेक करें। आप पुजारा को देखो, पुजारा को मैंने कभी पुल शॉट खेलते हुए नहीं देखा, आमतौर पर वो पुल शॉट से परहेज करते हैं, छोड़ देते हैं बॉल जी, अब वो भी पुल करने चले गए गेंद को, बिल्कुल पुल हुक के बीच की स्थिति थी जिस पर वो आउट हुए हैं जी बिल्कुल। तो पुजारा जैसा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इसके पीछे कारण क्या है? क्या आप चाहते हैं कि प्लेयर्स अपने शेल से बाहर निकले? ऐसे विराट कोहली का बयान कि स्लो स्ट्राइक रेट, हालांकि वो इस बार भी हमको दिखा जब विराट कोहली माफ कीजिएगा जब चेतेश्वर पुजारा अपने 50 रन के स्कोर को क्रॉस किया था, तब हनुमा विहारी 17 रन के आसपास थे, लेकिन जब हनुमा विहारी ने 51 बनाया तब भी पुजारा 53 रन पे थे। यानी कि कहीं ना कहीं जो उनका अंदाज है खेलने का उसे चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता है नेचुरल टैलेंट है उनको, अगर एक उन्होंने छोर संभाल रखा है तो वहां से रन तो आते ही रहेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि वो लंबे चौके छक्के मार के दूसरे पे प्रेशर डालें। देखिए पिछले मैच में 81 गेंदों पर जगह उन्होंने 11 रन बनाए, तो बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बहुत ही ज्यादा टुक टुक करके खेल रहे थे उनसे, दरअसल उनकी गेंदबाजी इतनी कसी हुई थी बिल्कुल कि वो बिल्कुल जगह ही नहीं दे रही थी आपको, रन बनाने का मौका ही नहीं दे रहे थे। फील्ड देखिए, फील्ड इतनी कसी हुई थी, और जो उनकी रणनीति होती है कि जो फील्ड जो सजाई हुई है वहीं गेंद जा रही है, आप गैप नहीं ढूंढ पा रहे जी, तो आप उन पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं कप्तान या टीम प्रबंधन अगर उनको ये कहते हैं कि भाई आप स्ट्राइक रोटेट कीजिए, आप तेज रन बनाइए, टीम के चढ़कर खेलिए दूसरे विपक्षी पर, बिल्कुल उसके तो फिर यही अंजाम होगा कि आप अच्छी खासी पारियां जो खेल रहे हैं, पुजारा हाफ सेंचुरी बना रहे हैं, हनुमा विहारी हाफ सेंचुरी बना रहे हैं, पृथ्वी शाह बना रहे हैं, उसके बाद पृथ्वी शाह का तो फिर खेलने का स्टाइल ही यही है, तेज आक्रामक खेलते हैं, लेकिन पुजारा और हनुमा विहारी अगर पुल करते हुए आउट होंगे, लेग स्टंप के बाहर जाती गेंदों पर राइजिंग बॉल पर बल्ला अड़ाकर आउट होंगे, तो उसके लिए उनको माफ नहीं किया जा सकता। उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है टीम प्रबंधन भी जिम्मेदार है, टीम प्रबंधन को नेचुरल गेम खेलने देना चाहिए। जैसा कि रहाणे ने एक दिन पहले मैच से पहले विराट से ठीक उलट बात कही थी, तो मैं यही कहूंगा कि कुल मिलाकर इनको जो जैसे डेवलप किया है अपना खेल उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, बजाय कि टीम प्रबंधन के बेतुके फैसलों की वजह से कोई अपना विकेट फेंक के आया जाए। हालांकि टीम प्रबंधन ये नहीं कहता कि बेतुके आप जो है विकेट फेंक कर आए, लेकिन एक जल्दबाजी से या तेज बल्लेबाजी करने का एक दबाव जरूर रहता है टीम पर, वो पुजारा पे भी दिखाई दिया, वो हनुमा विहारी पे भी दिखाई दिया, इसलिए हमने जल्दी विकेट खोए हैं और ये पारियां इनकी सेंचुरी में तब्दील हो सकती थी आज। कंडीशंस भारत के अनुकूल थी, स्विंग कम था, उछाल उतना नहीं था जितना वेलिंगटन में था, और आउटफील्ड बारिश होने के बावजूद आउटफील्ड तेज था, आउटफील्ड जबकि आमतौर पर बारिश होने के बाद धीमा हो जाता है, लेकिन यहाँ आउटफील्ड भी बहुत तेज था, लेकिन उसके बावजूद अगर हम फायदा नहीं उठा पाए तो इसके लिए हम उनके गेंदबाजों को श्रेय देने की बजाय हम अपने बल्लेबाजों को ही जिम्मेदार ठहराएंगे कि गलती कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ हमारे बल्लेबाजी की या टीम प्रबंधन की है। बिल्कुल, बहुत ही वैलिड पॉइंट सर ने बोला कि तीन हाफ सेंचुरियन थे, उसमें से एक भी अगर हमें सेंचुरी में कन्वर्ट कर देता तो कहीं ना कहीं 242 का स्कोर 300 में तब्दील हो जाता। लेकिन सर चलिए, तो ये अब पास की बात हो गई, अब बात है मौके की, लेकिन मौका आपके पास भी है। अगर आपको तमाम स्पोर्ट्स अपडेट चाहिए और न्यूजीलैंड दौरे के अपडेट चाहिए या ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के अपडेट चाहिए, तो तुरंत सब्सक्राइब करिए इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि तमाम स्पोर्ट्स अपडेट आपको बतौर नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पर मिलते रहें। लेकिन सर अब मौके की बात है, कैसे टीम इंडिया वापसी कर सकती है डे टू की शुरुआत में? क्या आपको लगता है क्या
शमी और बुमराह से ही लगातार, जैसे इस बार हमें दिखा अर्ली ऑन सेशन में उन्हीं से गेंदबाजी कराई जा रही थी, या फिर कुछ और चेंजेस, कहीं ना कहीं आप जडेजा या उमेश यादव एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं कल? उमेश और बुमराह से तो बॉलिंग की शुरुआत कराई ही गई जी, बिल्कुल। उसके बाद 20वें ओवर में जाकर जडेजा उनको बॉलिंग मोर्चे पर लाया गया जी, और जिस तरीके से उनके बल्लेबाज खेल रहे हैं बिल्कुल वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा किसी exactly. तरह का, वो एकदम तो सेट होके लगता है कि ड्रेसिंग रूम से सेट होके आए हैं, सेट होकर आए हैं, अपनी कंडीशंस को ज्यादा भली भांति जानते हैं वो, बिल्कुल। और बहुत होमवर्क किया हुआ है। आप देखो, आप उन्होंने जब बॉलिंग की हमारे बल्लेबाजों पर उन्होंने बहुत काम किया हुआ था कि किसको कैसे गेंद करनी जी, और जिस तरह से विराट कोहली को लगातार वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप करते रहे, लालच देते रहे उनको, और उसके बाद जो है एक बॉल अंदर की तरफ आई जो आउट स्विंगर थी, लेट स्विंग होनी थी, और उस पर उन्होंने उनके स्टांस का पहले ही अंदाजा लगा लिया था और विराट कोहली का विकेट ले लिया। ऐसा होमवर्क हमारा दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल। हालांकि जो उनके सलामी बल्लेबाज हैं जी, टॉम ब्लंडल और ब्लंडल, खास तौर पर ब्लंडल, बिल्कुल। ब्लंडल जो है ड्राइव खेलने में थोड़ा सा, कई बार मैं देखता हूँ ड्राइव खेलाने की कोशिश उमेश यादव ने जरूर की, उनको फुल लेंथ बॉल की, उनको बीच बीच में शॉर्ट बॉल भी की उन्होंने, तो मैं समझता हूँ ये भटकाव नहीं होना चाहिए जो शमी में पहले टेस्ट में देखने को मिला था। आप अपनी एक लाइन लेंथ पे धैर्य के साथ गेंदबाजी करते रहे, विकेट जरूर मिलेगा। उमेश यादव में बहुत क्षमताएं हैं और वो टीम के अकेले ऐसे बॉलर हैं भारतीय टीम के जो अच्छी खासी गति के साथ स्विंग करा सकते हैं, बिल्कुल। तो और उनके लेट स्विंग वेपन हो सकती है इस टेस्ट मैच में, यदि कोई नक्शा बदलना है या उनको बहुत ज्यादा बढ़त का मौका नहीं देना है, बिल्कुल, तो उमेश यादव को ऐसी कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी, ऐसे ही होमवर्क करना होगा। यहाँ रवि शास्त्री, विराट कोहली का अनुभव काफी काम आएगा उनके लिए, बिल्कुल। तो सर के हिसाब से धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस इज द की, अगर कुछ आसार हैं भारतीय टीम के इस टेस्ट मैच में, पूरी टेस्ट सीरीज में वापसी करने के। था हमारा अपडेट, सब्सक्राइब करिए इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स, बेल आइकन दबाइए ताकि तमाम स्पोर्ट्स अपडेट, और खासकर जो कल हम एनालिसिस करेंगे, कल रिव्यू देंगे या जो संडे को रिव्यू देंगे इस पर्टिकुलर डे टू का, वो आपको इसी प्लेटफॉर्म से मिलता रहे। नमस्कार।